हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे एक एग्जांपल जर्नल एंट्री का, जिसके कुछ ट्रांजेक्शन तो हमने पढ़ लिए थे, फिर हमको आगे कुछ और ट्रांजेक्शन पढ़ने थे। ठीक है, तो फर्स्ट लिख रखा है क्लियर्ड द अकाउंट ऑफ नरेंद्र बाय पेइंग कैश ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो जो नरेंद्र का जो पैसा बाकी था, ठीक है, वो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, वो निकल रहा था हमारा, कितना था, 50,000 का गुड्स इसने ख़रीदा था, 50,000 का। फिर 50,000 में से इसने 4,000 रुपये का वापस रिटर्न कर दिया था। ठीक है, तो अब निकल रहा था 46,000 निकल रहा था। फिर उस पर 12% हमको डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट, वो माइनस करना था, वो माइनस हम करेंगे तो निकल रहा था इसका 40,000 और 480 ये निकल रहा था। ठीक है, 40,480, इसके ऊपर 5% और माइनस करेंगे हम तो अपना आएगा ये 2024 रुपये आएंगे इसका 5%। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमने देखो सबसे पहले 50,000 का गुड्स लिया था नरेंद्र से, ये परचेज है ना, हमने परचेज किया था नरेंद्र से 50,000 का गुड्स। फिर हमने क्या किया था, 4,000 का उसको वापस रिटर्न कर दिया था, तो बचा कितना 46,000 का। 46,000 जो है ये उसकी लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, जबकि हमको उसके ऊपर 12% डिस्काउंट मिला था, तो हमको 12% डिस्काउंट माइनस करना है इसके ऊपर से। ठीक है, तो 12% हम माइनस करते हैं तो अपने पास बचते हैं ये 40,480। अब ये कह रहा है कि क्लियर द अकाउंट ऑफ नरेंद्र बाय पेइंग कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कुल पैसे कितने बाकी थे 40,480। तो हमको यह लिखना नरेंद्र क्या के 40,480। फिर कैश कितना दिया हमने, ये 5% डिस्काउंट दिया उसको 2,024 रुपीज़, वो माइनस करने के बाद बच रहा है ये, यानी हमने कैश पैसा उसको ये दिया है तो 38,456 और 2,024 क्या है डिस्काउंट जो हमको मिला। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप वापस प्लस करोगे तो आ जाएगा यही 40,480। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पिछली एंट्रियों का भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है जनवरी 18, सोल्ड गुड्स टू अमित 20,000 एंड सुमित 32,000, दो जनों को सेल किया है, तो पहले लिख दो अमित अकाउंट, अमित डीआर, सुमित डीआर टू सेल्स। नाम का जो अकाउंट है वो या तो आपको केवल नाम लिखना है, उसके आगे अकाउंट नहीं लिखना, अगर अकाउंट लोगों के तो आपको अमित अकाउंट नहीं ऐसे लिखना, अमित अकाउंट या फिर सुमित अकाउंट, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो जैसे हमने लिखा नरेंद्र डीआर, अमित, सुमित। ठीक है, अकाउंट लिखना ज़रूरी नहीं, अगर लिखोगे तो एस लगा के फिर लिखना है। तो इसकी एक एंट्री क्या हो रही, अमित डीआर, सुमित डीआर टू सेल्स। ओके, सेल्स की एंट्री है सिंपल क्रेडिट वाली, केवल दो जने हैं तो दो जनों की एक साथ और दोनों को प्लस करके इधर लिख दो सेल्स में। फिर 21 को रिसीव्ड फ्रॉम अमित, सॉरी 19,600 इन फुल सेटलमेंट। अब अमित के कितने पैसे बाकी है 20,000, लेकिन वो हमको दे कितना रहा है 19,600, यानी बाकी के जो है वो क्या डिस्काउंट है, तो उसने कितने दिए वो लिखो कैश अकाउंट डीआर 19,600। फिर हमने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट अकाउंट डीआर 400, और टोटल पैसे कितने बाकी थे वो लिखना आपको टू अमित 20,000, यानी टोटल जो बाकी थे वो हमको टू में लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर डीआर था तो वापस सीआर हो जाता है। फिर अगला है इसी में एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500, तो इसमें दो एंट्री है 21 को, तो इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश, कोई भी एक्सपेंसेज होता है तो वो डीआर हो जाता है, कोई भी एक्सपेंसेज अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो डीआर होगा, टू लिखना है कैश। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश, या फिर केवल इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू कैश भी लिख सकते हैं, और नरेशन आपको लिखना है, फिर लिखना है 1,500 दोनों साइड। फिर अगली एंट्री है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,500 ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर यानी ओनर, अगर ओनर का बीमा है यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि वो उसका पर्सनल प्रीमियम है, इंश्योरेंस है, उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी अगर बिजनेस ने दिया है
तो आपको उसको लिखना है, और आपको क्या लिखना है वहाँ, ड्रॉइंग अकाउंट लिखना है, ड्रॉइंग अकाउंट डी आर टू कैश 2400। जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए कभी भी, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस ऑफ प्रोपराइटर ऐसा लिख रखा हो, तो हमको वहाँ ड्रॉइंग लिखना है टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डी आर टू कैश, यानी हम ये मानेंगे कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, वो चाहे कुछ भी एक्सपेंसेज करें। फिर लास्ट एक और लिया है मैंने एक एग्जांपल, January 25 परचेज गुड्स ऑफ ₹16,000 फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो 16,000 का गुड्स लिया हमने टोटल, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16,000, फिर उसमें से माइनस करते हैं अपन 10%, तो 1,600, ठीक है, यानी कि इसमें से 10% माइनस किया हमने तो कितना आएगा 14,400। फिर ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, यानी कि जो टोटल सेल्स प्राइस है वो ये है। फिर 2% कैश डिस्काउंट और दिया, जब हमने उसको ख़रीदा उससे, परचेज प्राइस है तो हमने उससे जो ख़रीदा उसने 2% और दिया है डिस्काउंट, तो इसका 2% और निकालो इसी का, तो इसका 2% निकालेंगे हम, इसका इंटू 2 कर दो, 288, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गई सेल्स प्राइस, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कैश पेमेंट जो हमने किया है, तो 400 में से 288 माइनस कर लो, तो बच रहे हैं 188 माइनस किए तो 12, ठीक है। अब आपको एंट्री क्या करनी है वो समझ लो, सबसे पहले तो आपको लिखना है परचेज की एंट्री है, तो परचेज अकाउंट DR, या आप उसके नीचे लिख लेना, मैं इधर लिख रहा हूँ, फिर लिखना आपको टू कैश और टू डिस्काउंट अकाउंट, परचेज जिसके सामने आपको क्या लिखनी है अमाउंट, ये वाली जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आ रही है, 10% माइनस करने के बाद आ रही है ये, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को लिखना नहीं है, केवल माइनस करके शो करना है। तो अगर वो डायरेक्ट कैश देता तो यही लिखते, लेकिन उसने डिस्काउंट भी दिया 2%, तो दोनों को लिखना है आपको, तो पहले कैश कितना दिया है वो लिखो आप, तो कैश उसने दिया है ये 14,112 और 288 का क्या है डिस्काउंट, तो ये एंट्री इस टाइप से होगी, ठीक है। और सारी एंट्री होने के बाद आपको दोनों कॉलम की टोटल लगानी है और उनको क्या करना है प्लस करना है, वो इक्वल होगी, और यहाँ पर ऊपर जब हम नेक्स्ट पेज पे लिखते तो क्या लिखते हैं टोटल BF, ठीक है, फिर हमको एंट्री स्टार्ट करनी है और लास्ट में क्या करनी है टोटल। तो ये हमारा एग्जांपल समझ ख़त्म हो चुका है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।